और जी किदा, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल कपूर दी रसोई। आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी फरमाइश पर बनाने जा रहे हैं सोया मसाला चाप। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ये आधा किलो चाप ली है, इसको हम कट करेंगे। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हमने सोया चाप को काट लिया है, अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम गैस ऑन कर रहे हैं, अब ऑयल डाल रहे हैं जिसमें हम सोया चाप को फ्राई करेंगे, और बाद में एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा उसको निकाल देंगे। फिर इसी ऑयल में हम चाप को बनाएंगे। ज़्यादा ऑयल इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि हमने चाप को डीप फ्राई करना है। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम धीरे धीरे करके सोया चाप डालेंगे। अब हमारी चाप फ्राई हो गई है, इसको अब हम बाउल में निकालते हैं। देखिए हमने निकाल लिया है, अब इसमें हम मसाले डालते हैं। अब हम सोया चाप में मसाले डाल रहे हैं ताकि हमारी सोया चाप रस से भर जाए और बहुत ही रसीली हो जाए। इसमें हमने छोटी कटोरी दही डाला है, एक चम्मच मक्खन डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच देगी लाल मिर्च, और इसमें हमने आधा नींबू। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम अपना मसाला रेडी करेंगे, ताकि इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से समा जाए। चलिए शुरू करते हैं सोया मसाला चाप बनाने। इसमें आधा चम्मच ऑयल डाला है, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच देगी लाल मिर्च, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, और अब इसमें हम अपना चॉप मसाला डालेंगे। ये देखिए अब हमारा चॉप मसाला तैयार है। इसमें हम धनिया पाउडर, गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने चाप में भी पहले थोड़ा सा नमक डाला था, और इसको मिक्स करेंगे। ये अब हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, और ग्रेवी के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, और इसको हिलाएंगे ताकि इसमें क्रीमी टेक्सचर आए। और खाने में बहुत ही क्रीमी क्रीमी लगे। 2 मिनट्स के लिए हम इसको ढक देंगे। तो आइए अब इसमें हम चाप डालते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और 5 मिनट्स के लिए ढक देंगे।
अब देखते हैं अब हमारी सोया चाह कैसे हुई है। अब देखिए कैसा रंग आया है। अब इसको हम हल्के हाथ से हिलाते हैं। इसमें हम थोड़ी सी क्रीम डालते हैं। और इसको मिक्स कर देते हैं। गैस हमारी सिम थी, अब इसको हम 2 मिनट्स के लिए मीडियम गैस करते हैं। और 2 मिनट्स के लिए लीड ढक देते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी सब्जी का रंग कैसा बना है। ये देखिए हमारी सोया चाप मसाला तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। और आपको ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।